हमने डेटाबेसेस ठीक है पढ़ी सर। हैं सीक्वल सर्वर में, ठीक है? तो सीक्वल सर्वर में हम क्वेरियां लिखते थे, चलाते थे। अब एक्सेस भी एक डीबीएमएस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी। तो इसको मतलब यूज़ तो वैसे ये नहीं होती, आपस की बात है, लेकिन बहरहाल अब उसने करवाई भी है तो मतलब मैं दिखा देता हूँ। तो लिटरली तुम एक डेटाबेस बनाओगे, ये तुम्हारी स्क्रीन होएगी, ठीक है? और इसमें तुम शुरू करोगे टेबल्स है कि पहले कोई टेबल बनेगा तो कुछ होएगा। ये ज़रा डिफरेंट है बिल्कुल उससे, सीक्वल सर्वर से। असल में सीक्वल सर्वर में जो हुनर होता है वो क्वीरियाँ लिखने का हुनर होता है। क्वीरियाँ लिख लिख के तुम काम करते हो। टेबल बनाई थी, क्वीरी लिखी थी, डेटा डाला था, क्वीरी लिखी थी। यहाँ पे देखो ये कैसे होता है। इस टेबल को मैंने राइट क्लिक किया, डिजाइन व्यू में गया, टेबल का नाम दे दो। मैंने टेबल का नाम दे दिया स्टूडेंट। और यहाँ आके मैं उसकी स्टूडेंट की वो बनाई दूंगा, उसकी फील्ड्स बनाई दूंगा ना, कि मैंने क्या क्या रखना है। मैंने उसका नाम रखना है, स्टूडेंट नेम कर दो, स्टूडेंट नेम रख लिया, स्टूडेंट एड्रेस रख लिया, स्टूडेंट डिग्री रख लिया कि कौन सी डिग्री कर रहा है, और स्टूडेंट CGPA रख लिया। अब CGPA जो है उसको मैं टेक्स्ट नहीं बनाता, उसको मैं नंबर बना देता हूँ, या बल्कि नंबर भी वो होना चाहिए ना जो पॉइंट्स वाला हो। चलो नंबर बनाते हैं। अब ये मैंने फील्ड्स बना लिया, ठीक है? अब इसको दोबारा राइट क्लिक करो। दो तीन रास्ते हैं, या तो डायरेक्ट डेटा शीट पे चले जाओ। दो व्यू होते हैं। डिज़ाइन व्यू में तुम ये बनाते हो कि उसके अंदर कौन से कॉलम होएंगे, उनका साइज़ क्या होएगा, इस तरह से। और डेटा शीट व्यू में एक्चुअली तुम डेटा एंटर करते हो, डायरेक्टली एंटर करते हो, ठीक है? तो कोई इसमें वो नहीं करना, ठीक है ना? बस डायरेक्ट डेटा एंटर होता जा रहा, कोई क्वेरी नहीं लिख रहा मैं, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना? डायरेक्टली डेटा एंटर होता जा रहा है। तो अब मेरी एक टेबल बन गई, मैं सेव कर लेता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। मेरी एक टेबल बन गई स्टूडेंट नाम की। अब टेबल होएगी तो कुछ होएगा। अब वो आपको ये पढ़ा रहा है कि तुमने यूजर इंटरफेस डिजाइन करना है। यूजर इंटरफेस का ये कॉन्सेप्ट होता है कि तुमने बेसिकली एक एप्लीकेशन प्रोग्राम या यूजर इंटरफेस डिजाइन करना है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब यूजर डेटाबेस को इस्तेमाल करता है तो वो तो इस तरह से इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल, मैं LMS की डेटाबेस इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मुझे ये एक फॉर्म बना के दे दिया गया। मैं उस फॉर्म पे अपनी ID पासवर्ड डालता हूँ, तो डेफिनेटली पीछे डेटाबेस इस्तेमाल होएगी। डेटाबेस ने मुझे कहा है कि ये गलत है। तो लेकिन यूजर, यानी मैं जब यूजर जब एक डेटाबेस को इस्तेमाल करता है, तो उसको तो पता भी नहीं होता कि डेटाबेस है पीछे। उसके सामने एक खूबसूरत सा पेज, एक फॉर्म बन के आ जाता है जिसके ऊपर वो काम कर लेता है। इसको फॉर्म और इसको वो यूजर इंटरफेस कहते हैं। अब पता नहीं क्यों वो तुमसे इसके ऊपर यूजर इंटरफेस बनवा रहा है, ठीक है? तो करना क्या है, क्रिएट पे जाओ, और क्रिएट पे ये दो तीन चीजें हैं, ये दोनों तुमने करनी है। ये दरमियान वाली एक फॉर्म है और एक ये क्वेरी है, ठीक है? तो मैं फॉर्म से शुरू करता हूँ, बल्कि जिस तरह उसने बुक में किया है, मैं उस तरह से करता हूँ। फॉर्म विजर्ड से शुरू करता हूँ। तो फॉर्म विजर्ड मुझसे पूछेगा कि भाई किस टेबल का तूने फॉर्म बनाना है। मैं कहूँगा स्टूडेंट का फॉर्म बनाना है। अब वो कहेगा कि तुमने कौन कौन सी चीज़ें डालनी है। मैं कहूँगा ID की तो ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो नंबर है। तो मैं नेम डाल देता हूँ, एड्रेस डाल देता हूँ, डिग्री और वो डाल देता हूँ, ठीक है? अब मेरे फॉर्म पे ये चार फील्ड्स नजर आएंगे। नेक्स्ट करो। अब वो कह रहा है किस शक्ल का फॉर्म चाहिए, इस तरह चाहिए, इस तरह चाहिए, वट एवर। तो मैं इसको यही रखता हूँ और फॉर्म का नाम रख लेते हैं। मैं कहता हूँ ये मेरा स्टूडेंट फॉर्म है, और फिनिश करता हूँ। ये मेरा फॉर्म बन के आ गया। अब कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा देखने के लिए भी, और डेटा वो करने के लिए भी, मतलब एडिट और हर चीज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टूडेंट का नाम चेंज करता हूँ माजिद हसन, ठीक है? और इसको सेव कैसे करते हो, ये नीचे देखो, बिल्कुल ये बिल्कुल नीचे देखोगे ना, तो ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड वन ऑफ टू। मैंने दो एंट्रियाँ की थी ना टेबल में, तो वो दो रिकॉर्ड वहाँ पे अभी आ रहे हैं। इसको यहाँ से नेक्स्ट करो, ठीक है? और ये ख़त्म हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि हुआ क्या है। तो इसको क्लोज करो और टेबल खोलो। ये टेबल थी ना, ये फॉर्म आ गया, ये टेबल आ गया। अब टेबल खोलो डेटा शीट व्यू में, तो वो ओपन ही शायद है। हाँ, तो वो देखो माजिद हसन हो गया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मैं फॉर्म्स के जरिए से, ये तो वेब का फॉर्म है ना, ये तो HTML पे वेब का फॉर्म बना हुआ है, लेकिन है तो फॉर्म ही एट द एंड ऑफ द डे। तो तुम फॉर्म के जरिए से टेबल्स को एक्सेस करते हो। तुम कभी भी यूजर को ये इजाजत नहीं देते कि वो
टेबल को डायरेक्टली एक्सेस करे। तुमने उसको फॉर्म बना के दे दिया, उसने नया डेटा एंटर करना है तो वो दोनों रिकॉर्ड से आगे आएगा, नए रिकॉर्ड पे आएगा और यहाँ पे कहेगा कि ये खान साहब का रिकॉर्ड है, उनका एड्रेस है इस्लामाबाद और डिग्री है MIT और GPA है 2। ठीक है, तो ये नया रिकॉर्ड एंटर हो गया, चेक करना है कि वाकई हुआ है, टेबल खोलो तो टेबल में खान साहब आ चुके हैं। ठीक है, तो एक्सेस जो है वो इसको, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये ज़िंदगी को बड़ी आसान बना देती है। मतलब फॉर्म बने हुए हैं, डेटा एंटर करते जाओ, खेलते जाओ और इस तरह से चलता है। अच्छा, अब फॉर्म के ऊपर कुछ हाई लेवल की चीज़ें जो कर सकते हैं, मैं फॉर्म का दोबारा डिज़ाइन व्यू खोलूँगा और ये मुझे फॉर्म का कुछ डिज़ाइन व्यू नज़र आ रहा है। अब इसमें तुम काफ़ी कुछ कर सकते हो, जो भी तुम करना चाहते हो। ठीक है, खेलना चाहते हो, चीज़ें लगाना चाहते हो, कलर करना चाहते हो, वो सारा कुछ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं यहाँ पे, कुछ चेंज तो हुई नहीं। ठक 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 ठक, फिल बैक कलर ये कर दिया मैंने। थोड़ा तेज़ तेज़ करूँगा तो मैं दिखाऊँगा कि चीज़ें क्या क्या कर सकते। अच्छा, हेडर फुटर है, हेडर फुटर में तुम कुछ मैसेजेस लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक फुटर के अंदर मैसेज लिखता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट फॉर्म। कुछ कलर चेंज किया, कुछ वो किया, कुछ डिज़ाइन लगा दो, कुछ इमेज लगा दो। अगर मेरे पास कुछ पड़ा हुआ तो ये लोगो पड़ा हुआ, ठीक है। वो कह रहा है कहाँ लगाना है, मैं कहता हूँ यार यहाँ लगा दो, ठीक हो गया। ये मेरा फॉर्म का कुछ डिज़ाइन थोड़ा सा मैंने चेंज किया, और क्लोज करो और अब फॉर्म खोलो, तब तुम्हें नज़र आएगा कि वो ज़रा ये फुटर में आ गया, दिस इज़ माय फॉर्म, ये मेरी कंपनी का लोगो आ गया और फॉर्म में ज़रा कलर शलर आ गए। तो ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं जो तुम थोड़ा सा खेलने से कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर मतलब ये ऊपर पढ़ते जाओ ना कि तुम क्या क्या चीज़ें मतलब ऐड कर सकते हो, ये सारा कुछ तुम ऐड कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें ना वो होते हैं एक्शन बटन्स होते हैं, वो ज़रा मुश्किल सी चीज़ होती है, वो लगाते हैं। एक्शन बटन है किधर, इसी के अंदर है। हाँ, तो नहीं मुझे नजर आ रहा है, ये है कंट्रोल्स, लेकिन कंट्रोल मुझे अभी नजर नहीं आ रहा। यार एक्शन बटन्स होते हैं कि तुम यहाँ पे फॉर्म के ऊपर बटन्स लगा सकते हो, कि इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का, इस तरह के बटन्स लगा सकते हो। तो वो मैं थोड़ा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि तो मुझे मिल जाए, जो मुझे नहीं मिल रहा। असल में उसने जो तस्वीरें दी हैं वो बड़ी पुरानी एक्सेस की हैं, तो वहाँ से भी हेल्प नहीं होगी। तो हाउ टू ऐड बटन्स टू एक्सेस फॉर्म, ठीक है यार, ये लग भी रहा था कि इसके अंदर ही है, यही बटन है ना, बस ये बटन है, इसको क्लिक करो और इसको ले आओ इधर। तो इसको, अच्छा अब ये बटन है, ठीक है, अब इस बटन को तुम कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये नेक्स्ट का बटन है, तो तुम्हें नज़र ये आएगा कि जब तुम फॉर्म चलाओगे तो ये नेक्स्ट का बटन बना हुआ आ जाएगा। अभी चल नहीं रहा, कर कुछ नहीं रहा, लेकिन होना ये चाहिए कि जब मैं नेक्स्ट दबाऊँ तो वो नेक्स्ट रिकॉर्ड पर चला जाए। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा, इस बटन के ऊपर कोई प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है, बटन के ऊपर कोई एक्शन लगाना पड़ेगा, कोई इवेंट लगाना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि इस बटन के ऊपर मैं इवेंट बिल्ड कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मैक्रो बिल्डर से, ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि अब ऑन क्लिक पे तुम चाहते क्या हो। वो कह रहा है कि जब ये ऑन क्लिक होए बटन तो तुम क्या चाहते हो। ठीक है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कि कोई नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन है, नेविगेट टू है, लेकिन नेक्स्ट नहीं है। नेविगेट टू चेक करते हैं क्या करता है, नहीं ये तो बहुत आगे निकल जाता है यार, ये खेलना पड़ेगा तुम्हें, मुझे भी नहीं इस वर्जन का पता कुछ ज़्यादा कि कैसे वो करते हो, पर इतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। इसको ज़रा क्लोज करें, सेव ना करें, दोबारा इस इवेंट के अंदर आएँ
और यहाँ से ढूंढे हैं कुछ डेटा एंट्री ऑपरेशंस। ये होनी चाहिए वैसे यूजर नेविगेट, ये यूजर इंटरफेस के जो होना यही चाहिए, नेविगेट टू ही होना चाहिए कि नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ चला जाए, लेकिन बहरहाल मुझे नहीं मिल रहा, मुझे इस वक्त नहीं मिल रहा। मिनिमाइज विंडो क्लोज, मतलब ये वाले एक्शंस भी करवाने हैं, फिर गूगल करें ये यार, गो टू रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो हम कहते हैं गो टू रिकॉर्ड नेक्स्ट और इसको सेव करने की कोशिश करते हैं, और अब इस फॉर्म को जरा चलाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या करता है। तो ये नेक्स्ट का बटन मेरा चल पड़ा, ठीक है। अब मैं एक लगाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल प्रीवियस का, तो दोबारा उस पे आओगे, दोबारा एक बटन बनाओगे और उसके ऊपर लिख दोगे कि ये प्रीवियस का बटन है। मतलब तुम यूज़र को बटन्स देना चाहते हो कि वो मतलब नेविगेट करने के लिए आराम से वहाँ से नेविगेट करता रहे, तो दोबारा बिल्ड इवेंट करोगे और इस दफा इसको कहोगे कि गो टू रिकॉर्ड, इस दफा नेक्स्ट नहीं होएगा, इस दफा प्रीवियस होएगा, तो हम पिछले रिकॉर्ड की तरफ उसको वापस लेके जाएंगे। अब चलाओगे तो अब दो बटन बन जाएंगे, जिससे तुम इससे आगे जाओगे और इससे उम्मीद है कि पीछे जा रहे हो, ठीक है। तो दोनों बटन काम करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब ये यही है कि तुम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करोगे, खेलोगे इसके साथ, ज़्यादा ना करना क्योंकि कुछ दो लेक्चर ही हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो टेक्स्ट बेस्ड यूज़र हेलो सर जी, यार मैं तुम्हें ये कह रहा था, मैं इसमें से बुक सर में से जी, गुजर रहा टैक्स था। बेस, हैं टैक्स बेस पे थे हम, टैक्स बेस जो इंटरफेस था ना वहीं पे। हाँ मैं वही, मैं सर बुक में से गुजर रहा था ना, तो मैं तुम्हें ये कह रहा था कि टेक्स्ट बेस इंटरफेस जो था वो तो अब खत्म हो चुका, वो तो अब नहीं दिखाया जा सकता बिल्कुल ना, बिल्कुल ही पुराना हो गया। ठीक है। हेलो सर मैं यहाँ हूँ, आई यार, थिंक मेरा सर अब वो आपकी नेट, तरफ। हाँ मेरा नेट जंप होना, हाँ मेरा ही है, मेरा ही है, मेरा ही जंप होना शुरू हो गया। तो चलो करेंगे। मैं इसका एंड ये कर रहा था कि मैं तुम्हें